हाँ वो रिजॉर्ट में जाते हैं ना प्राइवेट वाले। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Y2K व्लॉग। सो आज का इस व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद हो जाए ये तो पहला ही व्लॉग होगा, बिकॉज आज है मीटअप सूरज भैया वर्मा का और वहाँ पे लखनऊ के जितने भी मोटो व्लॉगर्स हैं बड़े बड़े वो सारे आएंगे। तो चलते हैं, वैसे ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं मीटअप के लिए। मीटअप की जो टाइमिंग थी ना वो 4:30 बजे थी और अभी बज रहा है 5:45 हो रहा है भाई, प्लस समर रहो ना भाई, 1 घंटे से भी ज़्यादा हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। और अभी तो उसमें कहीं हैं भी नहीं, सूरज वर्मा भैया के घर के गली के बाहर ही हैं, उनका घर इधर ही पड़ता है। और तो देखते हैं, जो लोकेशन थी ना वो चेंज हो गई है, पहले जो लोकेशन थी वो हमारी थी कल्याणपुर की लोकेशन थी, बट अभी जो है ना लोकेशन वो एकदम से चेंज हुई थी भाई। मतलब ये पता, मैं अभी वहाँ जाऊँगा ना तो देखूँगा कि चाय सिटी कहाँ है, अगर वहाँ पे सब हुए तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं हुआ तो भाई बैड लक है। वो थोड़ा काम था इसलिए मैं नहीं निकल पाया 4:30 बजे, बट तो ट्राई करते हैं, अगर वहाँ मिल गए तो अच्छी बात है भाई। वैसे मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई मैं एकदम लास्ट में पहुँचूँगा भाई। अरे भाई एकदम लास्ट पे पहुँचूंगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। देखो अगर वहाँ पे हुए ना सब लोग सो भाई अच्छी बात है, थोड़ी भाई मुलाकात हो जाएगी, मिलना मिलना होगा, मान लेंगे कि हाँ मीटअप में गए थे भाई किसी के, सो देखते चलते। अगर वहाँ कोई नहीं मिला ना तो भाई अपना बैड लक होगा भाई, क्या बताऊँ। वैसे कोई मिलेगा भी नहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज स्टोरी में भी कोई भी अपडेट नहीं है। मुझे लगा स्टोरी में कोई अपडेट होगा, बट स्टोरी में भी कोई अपडेट नहीं है। जब तक सूरज वर्मा भैया की स्टोरी को देखा था सो उसमें कोई भी अपडेट नहीं था, तो चल के वहाँ देखते हैं, अगर वहाँ मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, वरना बैड लक है भाई अपना। भाई मुझे बस ये पता है लेखराज मार्केट के आगे कोई चाय सिटी है ना, वहाँ पे जाना है हमें, क्योंकि जो उनकी स्टोरी में था ना उन्होंने बंदे ने यही बताया कि भाई मुझे लग रहा है सब लोग जा रहे हैं, बिकॉज ये देख लो ना एक मोटर ब्लॉगर यहाँ पे भी था भाई, वो भी निकल ही भाई लेखराज मार्केट आ चुकी है, बट अभी उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे होंगे यार ये सब लोग। भाई चाय सिटी मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं नहीं जानता कि चाय सिटी कहाँ है। चाय सिटी भाई नहीं पता मुझे चाय सिटी कहाँ है। डायरेक्शन क्या दिखा रही, बस थोड़ा सा आ गया यार, थोड़ा सा और भाई ये पुलिस। चाय सिटी हमको चाय सिटी नहीं पता भाई, लखनऊ में रह के हमें चाय सिटी यहाँ पता कहाँ है, यही तो नहीं है चाय सिटी। अंदर गली में ठीक है, चलो भैया ने बताया, हमने थोड़ा पूछ लिया, ना हो पाया भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वैसे बुरा क्या लगेगा भाई, मैं खुद ही लेट आया हूँ, कहाँ खड़ी करे हम लड़के में भाई, मिल गए सब मिल गए। तो समझ नहीं आ रहा गाड़ी कहाँ पार्क करूँ, जिसे तुम कभी कभी कचरा समझते हो ना वही कंटेंट होता है, लेकिन आजकल लोगों को कंटेंट में लड़कियां चाहिए, गाली चाहिए, ये सब चाहिए होता है ना। गाली दो ना भाई, गाली दो, गाली दो।
गाली चाहिए पब्लिक को, गाली दो। यही तो दिक्कत है लोगों को, क्रिंज कंटेंट ही उनको पसंद आ रहा है बस, और कुछ नहीं पसंद आ रहा। सो भाई, भाई ने अभी अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और फर्स्ट वीडियो होने वाली है उसके चैनल पे, तो भाई बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी गर्मी में देख रहे हो यहाँ तक आए हैं, तो चैनल को सपोर्ट करो यार, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मतलब इतनी मेहनत की एक लाइक और सब्सक्राइब करने में तो कुछ आता नहीं है यार, सूरज भैया के पीछे ही रहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, थोड़े पीछे भी रहता हूँ, यहाँ तक आना बड़ी बात है इतनी गर्मी में। डेढ़ घंटा लेट आया, मुझे लगा खाली हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मीटअप शुरू हुआ है, देख रहे हो अभी तो बस गेम शुरू हो रहा है, अभी तो दो लोगों ने शुरू भी कर दिया आके। वो तो चलता रहता है, जहाँ भैया नहीं खटते होंगे वहाँ कुछ होगा ही नहीं। A few moments later. सीन हो गया लग रहा है, बहुत तगड़ा सीन हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं यार, ऐसे दो लोग हैं यार, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। भैया भी कह रहे हैं यहाँ से चलेगा, बिकॉज यार वो भी कुछ नहीं कर सकते यार, यहाँ से क्राउड कम ही हो रहा है यार, कम हो जाए भाई, जितने जल्दी कम हो उतना क्राउड, जितनी जल्दी क्राउड कम होगा ना उतना ज़्यादा सही होगा भाई, अभी के अभी तो भाई। मैंने अपनी गाड़ी ला के इधर पार्क कर दी थी, पहले तो वहीं पास में थी, फिर मैंने कहा देखो पुलिस का सीन हो गया, तो भैया ने बोले यहाँ से पहले अपनी गाड़ियाँ हटाओ, देखो देखो बंदे को कुछ नहीं, गाड़ियाँ ना तुरंत पकड़ी ली जाती है, इसलिए पहले ना उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ हटाओ, तो भाई सब ने ला के ना अपनी अपनी गाड़ी दूर रखी, देखो एक यहाँ पे रखी हुई है और एक वहाँ पे रखी हुई है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ में, वो तो सब फोन वाले भाई। एक दिन सब कुछ पीछे आएगा, जली किसी की तो जली है भाई, किसी की तो जली है, मुझे लग रहा है आर्मिन वाले की जली है, बहुत तगड़ी जली है भाई। इतना अच्छा मीटअप चल रहा था भाई, इतना अच्छा मीटअप चल रहा था, ना कोई शोर था ना कोई शराबा था भाई, कोई बर्नआउट और एग्जॉस्ट से आवाज़ कोई कुछ नहीं निकाल रहा था, तब भी भाई पुलिस आई, क्राउड देख के पुलिस आ गई भाई, और उन्होंने सारे मीटअप की ऐसी की तैसी कर दी, पर भाई मीटअप चला है भाई, मीटअप आराम से डेढ़ दो घंटा चला है भाई, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, बट इन लास्ट उनको पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, वो आए और फिर भैया भी कहने लगे थे अपनी ना गाड़ियाँ निकालो, बिकॉज वो पहले ज़रूरी है, गाड़ी निकालना पहले ज़रूरी है और यहाँ से क्राउड कम करो। इतना अच्छा मीटअप चल रहा था भाई, पता नहीं वो क्यों आ गया यार, सब ना कोई था भाई, वो बिल्कुल सही चल रहा था भाई, मतलब दो घंटा आराम से मीटअप चला है भाई, बट इन लास्ट ना जो हर जगह होता है, कहीं हो या ना हो, बट लखनऊ यूपी, अपने यूपी में भाई ज़रूर होगा भाई, मतलब पुलिस आ गई उसके बाद वहाँ से मीटअप कैंसिल करना पड़ा भाई। पर मेरे को ना सबसे बुरा चीज़ पता है क्या लगी ना, कि जितने भी थोड़े बड़े यूट्यूबर्स थे ना, कि हाँ भाई तुम अच्छी अच्छी बाइकों से आ रहे हो, मतलब अच्छे यूट्यूबर्स थे ना भाई, वो सब भाग गए थे भाई, वो सब भाग गए थे, मैं लास्ट तो रुका हूँ भाई, जब तक कि सूरज भैया नहीं गया ना, मैं तब तक ही आराम से वहाँ से निकला हूँ, और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स थे ना वो सारे चले गए थे भाई। सूरज भैया तो अब कार से गए थे अपनी, तो मैं उनसे वहाँ भी मिला था कि वो अपनी कार से जा रहे थे, मैं उनसे वहाँ मिल चुका था। बाकी हैरिश भैया तो BMW 1000R से निकल गए थे, अच्छा मैंने कहा था स्टार्ट करना है, हाँ, तो मेरे को स्टार्ट नहीं किया, मैंने सोचा जब आपका मीटअप होगा तभी मैं पहली वीडियो डालूंगा, उस दिन से मैं आपके मीटअप का इंतजार कर रहा हूँ, हाथ से लग जाओ फिर, ठीक है कुछ बता दीजिए, मेहनत करते रहो लगातार बस, जी जी बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है।